हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सामान्य हिंदी का कक्षा 12 का पेपर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और ऐसे ही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसलिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सभी का क्वेश्चन का यहाँ पर मैं पेपर लेकर आ गया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये और अधिकतर जगह यही पेपर पूछा जाने वाला है। इसी पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको प्रेपवेव ऐप डाउनलोड कर लेना है। जो चैनल का नेम है उसी नेम से आपका ऐप बना हुआ है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर किसी भी पेपर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से 11 एंड 12 10 के भी। और यहां पर आपके हाफ ईयरली एनुअल सभी एग्ज़ाम पेपर मिल जाते हैं और सबके PDF आपको मिलेंगे। और आपको भी अगर अपना PDF डाउनलोड अपलोड करना है या आपका पेपर हो चुका है तो उसको भी आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपका इस पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन वीडियो ये मैं लेकर आ गया हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हमेशा आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका फुल सॉल्यूशन वीडियो यहां पर अपलोड करता रहता हूं। और यहां पर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और यहां पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए, इस पेपर का टाइमिंग जो है 3 घंटा 15 मिनट है और पूर्णांक 100 है। जो आपका हिंदी का पेपर 100 पूर्णांक का होता है वही है। फुल मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पर आप इस पेपर को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 95+ ऐसे मार्क्स तैयार हो जाएंगे। और अच्छे से ऐसे ही पेपर का तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, खंड का के। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और ये गद्य पर आधारित आपके प्रश्न हैं। 5 प्रश्न गद्य पर आधारित हैं और 5 प्रश्न आपके आपके काव्य पर आधारित हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन आपका है खंड का में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो यहाँ पर सबसे पहला विकल्प सही हो जाता है, लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाग्धरा निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो वाग्धरा निबंध संग्रह के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरी जीवन यात्रा की विधा है। तो मेरी जीवन यात्रा की विधा आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है और यह है राहुल सांस्कृत्यान जी का। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, तूफानों के बीच के रचयिता हैं। तो तूफानों के बीच के ये आपकी एक रचना है और ये इसके रचयिता जो हैं वो है रांगीय राघव, रांगीय राघव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। तो ये है निबंध, निबंध विधा की रचना है बेईमानी की, वैमान की परत, वैमान की परत आपका निबंध विधा की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर काव्य से ये 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर फिर इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे वाले में रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य के यहाँ पर कवि हो जाते हैं आपके भिखारी दास। तो रीतिबद्ध काव्य के आपके भिखारी दास कवि हो जाते हैं। और ये रीतिकाल में आप याद कर सकते हैं कि केशव भूषण मतिराम बिहारी, इस तरीके से रीतिकाल के ये लोग हैं, रीतिकाल के कवि हैं। और फिर यहाँ पर आपके ये जो बिहारी हैं ये हैं रीति सिद्ध के, और ठाकुर हैं यहाँ पर आपके रीतिमुक्त कवि। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रीतिबद्ध कवि जो हैं भिखारी दास हो जाते हैं, ये राइट विकल्प हो जाता है आपका दूसरा नंबर की। रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं वो भिखारी दास हैं और रीति सिद्ध के आपके बिहारी हैं और रीतिमुक्त के ठाकुर हैं। इस तरीके से आपके इन तीनों का मैंने सही सही बता दिया है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है खा नंबर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। तो राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं जायसी। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 गद्यांश मिलेंगे जिनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला गद्यांश है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा में निसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इसकी उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों, यहां पर पूरा पेपर में दिखा दे रहा हूं,
तो यहाँ पर दिया गया आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भृत नई सांस्कृतिक हलचलों के शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों को नई भाव योजनाओं का व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया गया है, इसी तरीके से आपका दूसरा गद्यांश दिया गया है। तो पहले गद्यांश का आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले गद्यांश में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है भाषा और आधुनिकता से यहाँ पर आपका ये उद्धृत है। तो इसका मैं पूरा आंसर दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से है, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मैं कॉपी पर अच्छे से लिख कर लाया हूँ और इसी तरीके से आप भी इसका अगर लिखना चाहें तो नोट लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। और इसके जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो इस तरीके से आपकी ये दो क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है? तो यहाँ पर आपका बताना है कि किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है ये, भाषा और संस्कृति के प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है। तो भाषा और संस्कृति के प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है इस वाले गद्यांश में। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों? तो भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो भाषा समाज का अभिन्न अंग है, क्योंकि भाषा विचारों और जो आपकी बातें होती हैं, जो भी आपके विचार होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो भाषा समाज का अभिन्न अंग है, क्योंकि भाषा विचारों का की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका इसी में गद्यांश अगला दिया गया है, अथवा में करके आपको ये करना है या फिर ये करना है। तो यहाँ पर अशोक के फूल से ये गद्यांश लिया गया है, तो इस तरीके से तो आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले का कर दिया है और दूसरे वाले को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये आप देख सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा नंबर, ये पद्य खंड है। यहाँ पर आपको पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आपको पद्यांश दे दिए गए हैं, दो पद्यांश इसमें भी रहते हैं, जैसे गद्य में दो गद्यांश दिए हैं वैसे ही पद्य में दो पद्यांश दिए गए हैं। तो इनमें से किसी एक का आपको करना होता है। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, बैठी खिनायक दिवस, बैठी खिनायक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, धीरे बोली संदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः सुपवन इतना क्यों मुझे सताती है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पद्यांश दिया गया है और इसके आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं इस पर आधारित, और पांचों को आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर इनका भी मैं उत्तर पूरा लेकर आया हूँ। तो उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम लिखना है, तो इसके शीर्षक का नाम हो जाता है, यहाँ पर आपका लिखा गया है, इसके शीर्षक का नाम जो है आपका पवन दुतिका है और इसके जो लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले दोनों क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक का नाम लिखना है, तो पवन दुतिका इसका शीर्षक है और इसके रचनाकार जो हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें इसी में पूछा गया है, इसी पद्यांश, इस पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है? तो इस पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है? तो इस तो इसका उत्तर हो जाता है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा जी के विरह अवस्था के कारण दुखी बैठी हैं इस समय का चित्रण कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपको कौन सा छंद इसमें है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर या मंदरा कांता ये आपका छंद है इस पद्यांश में, मंदा क्रांता छंद है। फिर यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये दोनों लाइनें जो हैं वो रेखांकित हैं, तो इनकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। तो इस तरीके से इन दोनों लाइन का आपको
आपको व्याख्या करना है, तो इस तरीके से मैंने करके यहाँ पर लिख लाया हूँ। तो वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोलती हैं कि प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है। तो इतना यहाँ पर इसका आपको व्याख्या हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसी तरीके से इसमें आपका पद्यांश में दूसरा वाला पद खंड दिया गया है और इस पर भी आधारित 5 प्रश्न हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ लिखना है और इसकी शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो जीवन परिचय लिखना है और उनकी कृतियाँ क्या हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ही आपको दे दिया गया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका तो हमेशा आता ही है, तो इसलिए इनका जरूरी है याद करना। फिर आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल प्रभाकर, मिश्र प्रभाकर, तो इस तरीके से ये तीनों दिए गए हैं, आपके लेखक हैं और इनका जीवन परिचय और इनकी कृतियाँ लिखना है। तो इनमें से किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय कृतियाँ लिख सकते हैं। तो ये भी मैं इसका किताब में दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। फिर यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने MA किया और तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है इन्होंने PhD तथा DLit की उपाधियां प्राप्त की, और उसके बाद आपको यहां आ जाना है, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया था, और बाद में फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज के आपको ये ऑफ कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे, और उसके बाद आपको ये सब छोड़ देना है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी ही चीज़ें लिखना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लिखना है जीवन परिचय में। तो यहाँ पर इस तरीके से अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं का प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था, और इस जो महान विभूति हैं 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया था। तो इस तरीके से इनका ये जीवन परिचय हो जाता है और इनकी कृतियां यहाँ पर लिखी गई। प्रमुख रचनाएं जो हैं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और कल्पवृक्ष और माता भूमि और वाग्धारा, इस तरीके से इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका मैथिली शरण गुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जरूरी याद करना। तो इसी पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको प्रेपवेव ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो चैनल का नेम है उसी नेम से आपका ऐप बना हुआ है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी पेपर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से 11 एंड 12 के भी, और यहाँ पर आपके हाफ ईयरली, एनुअल सभी एग्ज़ाम पेपर मिल जाते हैं और सबके PDF आपको मिलेंगे। और आपको भी अगर अपना PDF डाउनलोड अपलोड करना है या आपका पेपर हो चुका है तो उसको भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका इनका किताब में से देख लीजिए, बहुत ही छोटा दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद जी और फिर यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, तो इन तीनों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय और उनकी जो कृतियाँ हैं उनको याद कर लेना है और 80 शब्दों में मात्र लिखना होता है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ये मैं बता दे रहा हूँ, बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण करना है या फिर लाठी कहानी की समीक्षा करना है। तो यहाँ पर आपका जो बहादुर कहानी है उसके नाटक का प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण मैं करके दिखा दे रहा हूँ प्रमुख पात्र का। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इस तरफ मैंने लिखा है बहादुर का चरित्र चित्रण, जो आपका बहादुर कहानी है उसका जो प्रमुख पात्र है वो बहादुर है, और यहाँ पर अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी में जो आपका ये बहादुर कहानी है तो इसमें मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। कौन कौन? लेखक या निर्मला का पति, तो लेखक जो है वो है निर्मला के पति, निर्मला पुत्र किशोर तथा पहाड़ी नौकर दिल बहादुर, जिसे निर्मला ने केवल बहादुर नाम दे दिया था, और यही बहादुर कहानी का नायक है। बहादुर के चरित्र
की अनेक विशेषताएं हैं जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। तो बहादुर इस कहानी का प्रमुख पात्र है और इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं कि उसके जीवन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका चरित्र चित्रण यहाँ पर आपको कर देना है कि उसके अंदर छल कपट रहित बालक है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छल कपट रहित बालक है ये आपको लिख देना है। 12 से 13 वर्ष का नेपाली जो बालक बहादुर बहुत ही भोला है और छल कपट से कोसों दूर है। उसमें ना तो किसी प्रकार की कुमित्रता या बनावटीपन है और ना ही किसी बात की को छिपाने की कला। वह किसी भी बात को बिल्कुल सच एवं स्पष्ट उत्तर देता है। फिर आपका यहाँ पर इसी में दूसरा बिंदु आपको लिखना है कि परिश्रमी है बहादुर जो है वो बहुत परिश्रमी है। तो बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है। वह घर में सभी सदस्यों के अधिकांश कार्यों को करता है और उन्हें करते हुए ना कोई आलस दिखाता है और ना ही कोई अनमनापन। वह बड़े ही प्यार एवं जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को संपन्न करता है। फिर यहाँ पर आपका अगला टॉपिक इसी में डाल के लिखना है कि हंसमुख एवं मृदुभाषी। जो बहादुर है वो हंसमुख है एवं मृदुभाषी है। तो इस तरीके से इसमें आपको लिख देना है, बहादुर हर समय हंसते रहने वाला लड़का है। वह किसी भी बात कहकर अपनी आपको ये नौसांगिक स्वाभाविक हंसी जरूर हंसता है। और यहाँ पर आपको और उसकी हंसी में कोमलता है। उसके साथ चाहे कोई कितना ही कठोर व्यवहार क्यों ना करे किंतु वह सदैव मुस्कुराता ही रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये हो जाता है बहादुर का चरित्र चित्रण। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेपर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वपठित खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर यहाँ पर आपका दिया गया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण लिखिए। तो आपके जो जिले में स्वपठित खंड काव्य हो उसके आधार पर आपको उसकी कथा वस्तु का जो चतुर्थ सर्ग है उसकी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है या फिर आपको उसका चरित्र चित्रण करना है। तो इस तरीके से आपको ये स्वपठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्न है। तो ये हर एक जिले के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी मैंने किया है, लेकिन ये मैंने किया है रसिम रथी कहानी से और रसिम रथी जो खंड काव्य है उससे मैंने किया है। तो चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान की कथा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये हर एक जिले के लिए अलग अलग होता है इसलिए मैं इसको इतना ही बस दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि निम्नलिखित जो ये आपका आ गया है खंड खा में आपको निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो ये आपका संस्कृत दिया गया है, तो इसका मैंने अनुवाद और ये देख लीजिए इसका अनुवाद मैंने लिख दिया और इसका प्रसंग भी आपका जो संदर्भ है वो भी मैंने लिख दिया है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर से आपको, तो यहाँ पर पूरा आपको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृत का अनुवाद है। ऐसे ही आपके भी द्वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इनका तैयारी ज़रूर करिएगा। और मैं अटक कर बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। वीडियो में बोलते समय थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट होने लगती है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई गलती भी हो जाता है तो उसको क्षमा करिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको संस्कृत के दो खंड दिए गए रहते हैं, किसी एक का आपको कर देना रहता है, इसका आंसर लिख देना रहता है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है खा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखना है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा अपने से ही। फिर यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए और इनका जो मुहावरों का अर्थ है उनको लिखकर आपको वाक्य भी प्रयोग करना है। तो ये आपको कर लीजिएगा, एक एक नंबर के हैं, किन्हीं दो का ही करना है। फिर यहाँ पर आपका अगला दिया गया क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर आपका अगला ये क्वेश्चन जो है पद्मेशः
तो का संधि विच्छेद करना है, इसका पदमेशा का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर आपका इसका उत्तर आप देख लीजिएगा इस तरीके से। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर महिषा का संधि विच्छेद, तो महिषा का आपको संधि विच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर आपका इसका महाधन ईसा हो जाता है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। फिर आप अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तल्लीन, तल्लीना का संधि विच्छेद है, तो इसका तल्लीना का आपका जो संधि विच्छेद है वो तद धन लीना हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है। तो इस तरीके से इनका आप देख लीजिएगा, शब्द दिए गए हैं नाम्न, तो इसका आप जो विभक्ति है और वचन आप देख लीजिएगा। फिर जगत, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आप कहेंगे तो मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं करुण रस और रोध रस, ये जो आपके रस हैं उनमें से मैं करुण रस का उदाहरण और इसका परिभाषा लेकर आया हूँ। तो ये आप देख लीजिए, यमक अलंकार और सोठा, और यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र भी आप देख लीजिएगा, इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, करुण रस किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का अनिष्ट या विनाश से जिस रस की निष्पत्ति होती है वह करुण रस कहलाता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो इस तरीके से ये करुण रस की परिभाषा हो जाती है, और इसका उदाहरण है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इस तरीके से ये करुण रस का परिभाषा और उदाहरण हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने यमक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण दिया हूँ, तो जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर त्रुटि है, देखिए वहाँ में थोड़ा ऊपर चंद्रबिंदु होना चाहिए, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस तरीके से ये आपकी इसका परिभाषा हो जाती है। फिर इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। तो इसकी इस तरीके से परिभाषा हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पानी शब्द है वो तीन बार यूज हुआ है, और तीनों का अर्थ जो है अलग अलग है। तो इसको आप अगर पढ़ेंगे तो ये उदाहरण, ये परिभाषा है और ये उदाहरण है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। फिर यहाँ पर सोठा छंद जो है उसका मैं परिभाषा और उदाहरण लेकर आया हूँ। तो यह अर्धसामात्रिक छंद है, जैसे दोहा होता है उसका उल्टा ये होता है। तो यह अर्धसामात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में के अंत में गुरु लघु दीर्घ लघु आते हैं। तो यहाँ पर सोठा का दिया है मैंने परिभाषा, यहाँ पर लिख दिया है और इसका उदाहरण भी लिख दिया है। तो यहाँ पर यह अर्धसममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से आपका इसका परिभाषा हो जाता है। और यहाँ पर फिर आगे इस तरीके से इसका उदाहरण मैंने लिख दिया है, जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करीवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ शुभ गुण सदन। तो इस तरीके से इसका ये उदाहरण हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका इसी तरीके से बैंक प्रबंधन को व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ये पूछा गया है। और या फिर आप इसके अथवा में कर सकते हैं, अपने नगर पालिका अध्यक्ष को सफाई व्यवस्था के हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इनमें से कोई एक आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, तो निबंध इन टॉपिक्स पर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको प्रेपवेव ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो चैनल का नेम है उसी नेम से आपका ऐप बना हुआ है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर किसी भी पेपर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से 11 एंड 12 10 के भी। और यहां पर आपके हाफ ईयरली एनुअल सभी एग्ज़ाम पेपर मिल जाते हैं, और सबके PDF आपको मिलेंगे। और आपको भी अगर अपना PDF डाउनलोड अपलोड करना है, या आपका पेपर हो चुका है तो उसको भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो